अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर आ रही है, एक्सलेंसी डॉक्टर हनन महमूद अल कुवेरी, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। दोस्तों ये फोटो आपको देखने को जो मिल रहा है, ये जो महिला आपको देखने को मिल रही है, ये दोस्तों इनका नाम है हनन मोहम्मद अल कुवेरी। ये दोस्तों पब्लिक हेल्थ के दोस्तों ये मिनिस्टर है। तो इन्हें इस साल वुमेन हेल्थ लीडर ऑफ द ईयर 2021 का इन्हें अवार्ड दिया गया है। दोस्तों मैनेजिंग द कोविड-19 क्राइसिस, जो कोविड-19 का दोस्तों जो माहौल जो हालात चल रहा था उसी को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे से संभाली, जिसके बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ अवार्ड दिया गया वुमेन हेल्थ लीडर ऑफ द ईयर के तौर पर 2021 का। अगली खबर साथियों, और MopH अनाउंस 172 केसेस ऑफ कोविड-19 एंड 3 डेट June 6, 2021। साथियों मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 172 आज नया केस आज आया है, 344 इंडिविजुअल हैव नो 344 जो है रिकवर हो चुका है 24 घंटे में, और वहाँ पे दोस्तों बताना टोटल रिकवरी वहाँ पे 215,294 है। 172 कोविड-19 केसेज और दोस्तों 103 जो अफेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी, दोस्तों 103 लोग जो कम्युनिटी में अफेक्टेड हुआ है, और जो 69 है वो कॉन्टेक्टेड द वायरस वेल ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड। 69 लोग ऐसे में जो विदेश से जो ट्रैवल कर रहे थे वो लोग इफेक्टेड हुए हैं। तो साथियों धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कतर की स्थिति जो है काफ़ी अच्छी हो रही है, सुधार हो रही है, और दुआ करता हूँ बहुत ही जल्दी कतर नॉर्मल हो जाए ताकि लोग वहाँ पे काम करने जा सके। अगली खबर साथियों काफ़ी अच्छी आ रही, फ्रांस रीओपन बॉर्डर फॉर फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवल अराइविंग फ्रॉम कतर। साथियों फ्रांस के तरफ से जो बॉर्डर है उसे ओपन कर दिया गया है, पर उसमें शर्त ये लगाया गया है कि जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे उन्हें की आने की अनुमति दी जाएगी, और आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा सर्टिफिकेट को। दोस्तों ये जो पोस्ट जो कतर टू फ्रांस इन पोस्ट एम्बेसी जो स्टार्टेड होगा वो 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और ये दोस्तों यदि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो कभी भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर साथियों जो है दोस्तों ये नेपाल के तरफ से आ रही, साथियों बताना चाहूँगा आपको पर हिंदी में पढ़ के मैं पूरा सुना देता हूँ। टिकट खरीद, क्वारंटाइन लगी, होटल बुकिंग करने प्रक्रिया। तो दोस्तों इसमें बताया ये कि ये नेपाल राजदूतावास है उनके तरफ से ये बताया गया है, नेपाल एयरलाइंस और कतर एवरेज को जून से दोहा और काठमांडू तक शुरू होने की अनुसूची पर प्रकाशित किया गया है। ये मानदंड है कि नेपालियों और विदेशी नागरिकों को विदेश से नेपाल आने पर नेपाल कतर से नेपाल और कतर से नेपालियों को यात्रा अनुसार देश के मंडल पूरा करें यात्रा कर सकेंगे। एक घंटे के भीतर कोविड को उम्मीद है और नकारात्मक भी PCR रिपोर्ट चाहिए होगा। तो साथियों ये नेपाली भाइयों के लिए है, आपको मैंने बताया भी था पहले कि नेपाल से और कतर के बीच फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगली खबर भी साथियों काफ़ी अच्छी आ रही दोस्तों, ये सऊदी अरेबिया से है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, यदि आप कतर से कतर में रहते हो और यदि कतर से इस साल आप हज पे जाने वाले हो तो सऊदी अरेबिया टू अनाउंस हज पार्टिसिपेट इन डिटेल कमिंग डे। साथियों सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो लोग हज पे आना चाहते हैं हज पे आ सकते हैं, पर फुल्ली वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए और कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही इस बार लाया जाएगा। अब इस बार ज़्यादा उम्र वाले को लाने की अनुमति नहीं है, पर जो यंग लोग होंगे उन्हीं को आने की अनुमति दी जाएगी। अब साथियों बात करें तो हम लोग करेंसी रेट के बारे में कतर का, तो वहाँ पे इंडिया का वैल्यू दोस्तों एक कतर रियाल का 20.03 रुपये, पाकिस्तान का है 42.65 रुपये, बांग्लादेश का 23.30 रुपये, श्रीलंका 54.37 रुपये, नेपाल का 32.20 रुपये, फिलीपींस का है 13.10 रुपये और USA का है 0.27 रुपये। तो ये पूरी ताज़ा अपडेट थी दोस्तों यहाँ करेंसी रेट की, और कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों ने स्टूडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।